हालत थोड़ी सी खस्ता, मंजिल एकदम करीब और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू मैं आपको दिखाऊं। मन तो कर रहा है बस यहाँ बैठ के इन नज़ारों को देखूं, लेकिन अभी थोड़ा सा सफ़र बाकी है, करते हैं अपने सफ़र को कवर और आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर व्यू। स्वागत है आपका उत्तराखंड राइड के एक और नए व्लॉग में। हम हैं अभी रासी विलेज से 2 किलोमीटर पहले, यहाँ से रासी विलेज की दूरी है 2 किलोमीटर और अंतोली धार 4 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा। दोस्तों आपको शायद वीडियो में इतना अच्छा ना दिखाई दे व्यू, लेकिन व्यू जो है वो देखने लायक है। आप एक बार ज़रूर आएं और यहाँ आकर इन ज़बरदस्त जो व्यू है उनको अपनी आँखों से देखें और अपने दिल में बसा लें। हमारी जो थकान है यहाँ तक आने की, वो इन व्यू को देखकर एकदम गायब हो रही है। हमें 36 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं सोए हुए, हमें नींद काफ़ी भरी थी हमारी आँखों में, लेकिन जब ये नज़ारे हमने देखे तो हमारी नींद एकदम गायब हो गई। फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं अंतोली धार और यहाँ आने पर हमें मिले ज़बरदस्त व्यू, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी यहाँ पर ठहरने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, एक दो ही होम स्टे हैं और जिनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। बाकी हमें पता लगा है यहाँ पर एक आश्रम का, अभी हम पता कर रहे हैं उसका रास्ते का, कहाँ से उसका रास्ता जाएगा, फिर दिखाएँगे आपको आश्रम। बाकी अगर आप मध्यमेश्वर यात्रा करना चाहते हैं या इधर आ रहे हैं तो आप रासी विलेज में ही अपना नाइट स्टे कर ले, और उससे पहले भी 2 किलोमीटर पर कई सारे गांव पड़ते हैं, 2 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर पर गांव पड़ेंगे, आप थोड़ा पीछे ही नाइट स्टे कर लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बाकी चलते हैं दिखाते हैं आपको आश्रम की व्यवस्था। रास्ता जिससे चढ़कर हम ऊपर आए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आता हुआ। ठंड काफ़ी है, गूगल बाबा ने इस बार तो बना दिया। दरअसल गूगल की कोई गलती नहीं है, गलती उन अनपढ़ लोगों की है जो जाते 15 दिन बाद हैं और टेम्परेचर 15 दिन पहले देखते हैं। जब हमने यहाँ का प्रोग्राम बनाया था उस टाइम यहाँ का टेम्परेचर 27, 28, 30, 35 तक आ रहा था और आज की डेट में यहाँ का टेम्परेचर है 15 और रात में हो सकता है माइनस में भी चला जाए। तो चलते हैं, राही चल चला चल, कोई बुराई नहीं है भाई, देख के आराम से। तो हम आप पहुँचे हैं आश्रम, ये है, हटाओ इसे डंडे को, हटा लो, यही तो रास्ता, गेट लगा हुआ, गेट हटाओ। दोस्तों जो हमारी लोकेशन थी वो फाइनल हो चुकी है, हम अपना टेंट लगा रहे हैं इस जगह पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे खाली पड़ा हरा मैदान। बाकी थोड़ा रिस्की तो है, अगर रात को बारिश आई हो सकता है टेंट में अंदर पानी आ जाए, लेकिन देखते हैं जो भी होगा बाबा की मर्जी। बाबा के दरबार पर आए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसा है व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ से इस नज़ारे को, जहाँ हम कैंपिंग आज करेंगे यहाँ से जो व्यू है वो बड़ा ही अल्टीमेट व्यू। ये हमारे साथी जो कैंपिंग का सामान नीचे से ऊपर लाते हुए आ गया, और ये आप देखेंगे एक सामने की ओर छोटा सा पानी का स्रोत जिसे झरना कहेंगे, पहाड़ के बीच से निकलता हुआ, और ये उधर की ओर मध्यमेश्वर बाबा का धाम जहां हम कल जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। आज पूरा व्लॉग हो गया था और कोई कहावत नहीं आई थी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे व्लॉग में कोई कहावत ना आए। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, लोकेशन तो क्या चीज़ है। ये हमारे टेंट और हमारी चेयर, रेस्ट चेयर रखी हुई है,
बाकी अभी थोड़ी देर में खाना बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमने सुबह से अभी तक नाश्ते में ही है और बिस्किट में, नाश्ते के बाद बिस्किट ही खा रहे हैं। वैसे नाश्ता दो बार हो गया था। पाँव की हालत देख सकते हैं आप, उतरी आज पूरा दिन बारिश में बाइक चलाने पर जूते हमारे गीले हो गए थे, आज हम गम्बूट लेकर नहीं आए थे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या मिली हमें, वॉशरूम एकदम सेपरेट अलग और साफ सुथरे एकदम, पहाड़ के ऊपर पानी की व्यवस्था और सफाई मिलना एकदम इम्पॉसिबल सी बात है। बाकी वॉशरूम एकदम साफ़ है और पानी की व्यवस्था भी है और यहाँ पर हमें बिजली की व्यवस्था भी है, लेकिन हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जल्दबाजी में छूट गया क्योंकि कोई ना कोई गलती तो हम हमेशा करते ही हैं। इस बार हमने अपना एक्सटेंशन बोर्ड और एक हमारा जो सुबह सुबह के काम निपटाने के लिए खड्डे खोदने के लिए जो बेलचा हमने ले रखा था वो हम छोड़ाए हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं पड़ी है। हिंदुस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं है, उसे ढूंढने वाला चाहिए। और अगर आप किसी पीसफुल जगह आना चाहते हैं तो मध्य महेश्वर आपके लिए एकदम बेस्ट लोकेशन है। देखो यार, सभी जितने भी लोग होते हैं उनके पास चार मित्र होते हैं, जिनमें तीन मित्र होते हैं जो आपके हर गलत और सही काम में हाँ करते हैं, और उनमें से एक बंदा होता है जो आपको हर काम में टोकता है। उस एक बंदे को लेकर आप यहाँ आ सकते हैं, बाकी यहाँ आने पर आपको धर्म लाभ, मन की शांति और शानदार व्यू देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी तीन बंदे जो रह गए हैं वो आपको पब क्लब और गोवा बीच के लिए ही सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ जाएं और मुझे मस्ती उठाएं। बाकी वो मस्ती अलग है और ये मस्ती एकदम अलग, ये एकदम पीसफुल स्थान, एकदम ट्रैकिंग और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल, बाकी अपने अपने मान्यता के ऊपर है। दूर तक फैली ये पर्वतों की श्रृंखला, कैसे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक पर्वत श्रृंखला, और आकाश चूमते ये गगनचुम्बी पर्वत, और एकदम हरियाली से हरे भरे। अगर आप मध्महेश्वर ट्रैकिंग की बात करें, मध्महेश्वर की ट्रैकिंग खुलती है यहाँ 6 महीने के लिए, तो 6 महीने इसमें फ़िलहाल जो है बरसात का भी महीना लग गया है। अगर आप इस टाइम आते हैं आपको हो सकता है बरसात का सामना करना पड़े, लेकिन हरियाली आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। और सर्दियों में भी यहाँ ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ पर होती है। और कुछ और जानकारी यहाँ से एकत्रित करेंगे और वो आपको हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। बने रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर।